नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर मथुरा से है, जहां भाई बहनों ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि यमुना में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये परंपरा काफी बरसों से चली आ रही है। मथुरा यमुना के घाटों पर भाई दूज पर बहन भाई आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिससे यमुना के घाटों पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है, जिसको देखते हुए यमुना के घाटों पर मथुरा पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। खबर श्रावस्ती से है। एक युवक के राप्ती नदी में डूबने का मामला, तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं तीन दिनों से एनडीआरएफ की टीम लगातार युवक की तलाश कर रही है। दरअसल मंगलवार की शाम भकला पुल पर एक लावारिस बाइक मिली थी। बताया जा रहा है कि पत्नी से लड़ाई कर बाइक लेकर के घर से नसीब अली भाग गया था। पुल पर बाइक और मोबाइल मिलने के बाद नदी में कूद कर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान हाथ में सलाह लेकर फायरिंग करते युवक नजर आए। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला खेड़ा थाना क्षेत्र के देवी का नगला क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में 12 घंटे में मर्डर की तीसरी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता के बेटे की सर पर पत्थर और ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद एसपी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ये शहर के बाहर ये नहर के पास कोतवाली शहर के राहुल गुप्ता का शव मिला है प्रातः। सर पर जो है चोटें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ईंटे से प्रहार किया गया है, जिससे मौत हुई है। अभी अन्य कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है। कल रात में अपने घर से निकले थे अपने चचे ताऊ के बेटे के साथ। बाकी और पड़ताल की जा रही है कैसे क्या हुआ है। आज भाई दूज और छठ पूजा का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। ताजनगरी के रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, सभी जगह भीड़ देखने को मिल रही है। भाई दूज को लेकर के बहनें अपने भाइयों को तिलक करने के लिए अपने घर जा रही हैं, तो वहीं आज छठ पूजा होने के कारण लोगों की भारी भीड़ बस स्टेशन पर देखने को मिल रही है। आलम यह है कि बसों की में सीट कम हो गई है और सवारियां बस स्टेशन पर दूसरी बसों का इंतजार कर रही हैं। आगरा में ईदगाह बस डिपो में विभाग के 1295 बसें लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इस समय दीपावली की पर के अरे यानी कितनी बसें लगाई गई हैं और कितनी बसें कहां कहां वापस हो गई हैं। डिपो में 95 बसें हैं, सभी ऑन रूट हैं। जहाँ की यानी पब्लिक निकलती है अधिक, वहीं के लिए यानी शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार जिले में अवैध शस्त्र और वाहन चोरी किए गए मामलों में बड़ी सफलता मिली है। परौर थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में थाना परौर की पुलिस टीम द्वारा अंतरजनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 27/10/2022 को थाना परौर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बेमनी चौकी चौराहा से थाना हजरतपुर के जनपद बदायूं को जाने वाली खड़ंजा रोड पर अभियुक्त गण आसिफ अली पुत्र वाजिद अली, खालिद पुत्र वाजिद अली निवासी मऊ नगड़ा थाना हजरतपुर बदायूं के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से एक अदद चोरी की कार बेटारा ब्रेजा सुजुकी व एक अदद तमंचा 315 बोर में दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबर मैनपुरी से है, जहां घर में सुबह बनी चाय पीने से दो मासूम सहित तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं जहरीली चाय से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बता दें कि घर में भाई दूज को लेकर के चल रही तैयारियां, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला औछा थाना इलाके के नगला कन्ही का बताया जा रहा है। खबर श्रावस्ती से है, जहां गरीबों के हक पर कोटेदार का डाका। दबंग कोटेदार ग्रामीणों को राशन नहीं देता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि दबंग कोटेदार प्रति यूनिट 1 किलो राशन ग्रामीणों को कम देता है। ग्रामीणों ने सीएम से लेकर डीएम तक शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला सिरसिया विकासखंड क्षेत्र के जमुनी कला गाँव का है। हरदोई के जिला जेल में गुरुवार को भाई बहन के स्नेह का त्यौहार भाई दूज जेल परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में जेल में बंद बंदियों की बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी। इस दौरान जेल प्रशासन ने टेंट लगाकर सभी के लिए चाय पानी की व्यवस्थाओं को भी मुहैया कराया था। आज भाई दूज के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, जनपद हरदोई के सभी नागरिकों को और कारागार परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हम निरंतर कारागार सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। कारागार प्रशासन, राज्य मंत्री शासन एवं हमारे महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार भाई दूज के अवसर पर कारागार पर उपस्थित होने वाली सभी बहनों को उनके भाइयों से मिलने, उनके राखी बांधने के लिए संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए चाय पानी, बैठने के लिए टेंट और उनके प्रत्येक व्यक्ति से मिलने के लिए संपूर्ण सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है, जिससे किसी भी बहन को कोई कठिनाई न हो। और ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी बहन कारागार पर उपस्थित होकर वापस नहीं जाएगी। यूपी के पीलीभीत जिले में थाना बिलसड़ा क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भाई दूज के त्योहार पर मायके आ रही एक बहन के बैग में रखे 50,000 रुपये की नकदी उचक्कों ने उड़ा ली। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने ऑटो को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस ऑटो स्टैंड के आसपास की सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। मैं खुदाल से आई निगोई, तो निगोई पे दो जेंट्स बैठे थे, उसी सवारी में बैठ गई। बैठने के बाद में जब चली मैं आगे, तो इन्हें सवारी भरी, सवारी भरते भरते मुझे दिक्कत हुई, तो मैंने इससे कहा कि हमें उतार दो यहाँ पे बीच में, और हम नहीं उतारा, फिर हम पैसे नहीं देंगे। तब भी इसने नहीं सुना। जब हमने आके दो लोगों को शक हुआ, तो मैंने कहा बैग चेक कर ले। पहले बैग चेक किया, उसमें पैसे नहीं थे, चेन फटी हुई थी। कितने पैसे रखे? 50,000। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं लाचार दिख रही हैं। सीएससी में रेफर किए गए मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। घायल युवक को गंभीर बताकर डॉक्टरों ने किया था रेफर। घायल युवक को सीएससी से गोद में लेकर के जाते हुए परिजनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य महकमा मामले का को नहीं ले रहा संज्ञान। जिम्मेदार ने इसको लेकर के पल्ला झाड़ा है। इकौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। सिद्धार्थनगर जिले में देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के बेरिया मंदिर के पास का है। देर रात 18 वर्षीय मृतक राहुल वर्मा मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे के साथ जा रहा था, जहां पर अज्ञात लोगों ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक जिला मुख्यालय के मुडिया मोहल्ले का निवासी है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भाई दूज पर अपने बच्चों के साथ मायके जाने निकली एक फौजी की पत्नी के गले से बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े एक सोने की चैन उड़ा ले गए। बाद में पीड़िता ने थाने पहुंच करके लिखित शिकायत दी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर ललितपुर से है, जहां आर्मी कैंट से एक सैनिक दो दिन से लापता बताया जा रहा है। कैंट के कमांडर ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। जिला रोहतक निवासी लापता सैनिक अभिजीत सिंह इसका नाम है, जो दो दिनों से गायब है। ललितपुर के आर्मी कैंट तालबेहट का ये पूरा मामला है। जिले में बड़े पैमाने पर कोल्हुओं में गुड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। इन कोल्हुओं में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वातावरण को दूषित कर रहा है और लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हालांकि कोल्हू स्वामियों के पास गन्ने की पिराई के बाद निकलने वाली खोई ईंधन का बेहतर विकल्प है, लेकिन उसे सुखाने के झंझट से बचने के लिए और महंगे दामों में बेचने के लिए प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोल्हुओं से निकलने वाला काला धुआं आसपास के लोगों को बीमार बना रहा है। जनपद चमोली के विकासखंड देवाले के मनमाती गांव की बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के देवाले टैक्सी स्टैंड पर 14 दिनों से आयोजित धरने में विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। बता दें कि पिछले वर्ष 13 अक्टूबर को विकासखंड देवाले के मनमाती गांव की दलित युवती पिंकी की गांव के ही एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिंकी के परिजनों ने जब हत्यारोपी को नामजद FIR दर्ज कराई तो आरोपी तब से ही फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके बाद ये लगातार आंदोलन चल रहा है कि अभी एक बरस हो गया है, अभी तक जो है मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के दो दिन बाद जो हमको सूचना मिली कि FIR इसमें दर्ज हो गई थी और उसमें DM चमोली में ने रेगुलर पुलिस को भी इसको ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। और जो हमारे संज्ञान में आया है कि जिसका हत्यारा है, जिसको हत्यारा बोला गया है, वो हत्यारा सत्ता पक्ष का आदमी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से कल मां गंगे की डोली मार्कंडेपुरी में चंडी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। आज मां गंगे की डोली चंडी देवी मंदिर से 1 बजे वहां से रवाना होगी। हुई भारतीय सेना के बैंड के साथ स्थानीय देवी डोली के साथ सभी भक्तों की भीड़ मंदिर प्रांगण में देखी गई। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के अवसर पर बंद कर दिए गए हैं। विविध पूजा अर्चना के साथ 12 बजे धाम के कपाट बंद किए गए। अब यमुना मैया के दर्शन शीतकालीन पड़ाव खरसाली में किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।